हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएमआर में। दोस्तों, ये रियलमी का फ़ोन है और इसमें अचानक टच काम करना बंद कर दिया। दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि आपका अचानक टच काम करना बंद कर दिया है दोस्तों, तो रियलमी का कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, इस वीडियो को देख लोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। रियलमी फ़ोन यदि आपका है, रियलमी का आपका कोई भी फ़ोन हो, अचानक उसमें टच काम करना बंद कर दिया है, या अचानक डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद हो गया है, या अचानक माइक स्पीकर रिंगर काम करना बंद कर दिया है, अचानक से आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर लीजिए दोस्तों। रिबूट करने के बाद दोस्तों आपका कोई भी पार्ट यदि ख़राब नहीं होगा तो आपका 100% काम करने लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए, टच नहीं काम कर रहा, ना हम इसे स्विच ऑफ करना कर पा रहे हैं, ना हम इसे रिबूट करना कर पा रहे हैं दोस्तों। तो कैसे आपको इसको रिबूट करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आपको लगातार 10 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट होगा। उसके बाद आपके मोबाइल में जो भी हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा वो सही हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हमारा फ़ोन जो है चलते चलते अचानक हमारे फ़ोन का जो है टच काम करना बंद कर देता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइक स्पीकर रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है। यदि ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ हो गया है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों बटन को लगातार 10 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे, उसके बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट होगा। उसके बाद यदि आपका कोई भी पार्ट ख़राब नहीं होगा तो आपका 100% काम करने लगेगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा फ़ोन रिबूट हो रहा है। रिबूट होने के बाद हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि इसका टच काम करता है या नहीं काम करता है दोस्तों। पहले इसका टच नहीं काम करता था, तो अब हमने इसको रिबूट कर दिया, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो रियलमी का आपका कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, यहाँ पे इस ट्रिक का एक बार इस्तेमाल करके उसके बाद आप किसी दुकानदार के पास जाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो है टच काम करने लगा है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।